अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। स्थानीय लोगों और डाक विभाग के खाता धारकों ने बताया कि लगभग एक महीने से लगातार डाकघर थराली के चक्कर लगाने के बावजूद भी उनका जमा पैसे उन्हें नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से ना तो डाकघर थराली में वित्तीय लेन देन हो रहा है, ना ही NSC बन पा रही है और ना ही स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री की सुविधा मिल पा रही है। 1 महीने हो गए हैं और मैं पिछले 1 महीने से पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कनेक्टिविटी नहीं है। अब कनेक्टिविटी आई तो उन्होंने बीच में काम नहीं करा, फिर उसके बाद दोबारा गया तो कह रहे कि मॉडम जल चुका है और काम नहीं हो पा रहा है। मैं कर लगता है 1.5 महीने से पोस्टमैन ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, फिर मेरा काम नहीं हो पा रहा है। शिकायत आप करते हैं? मैंने शिकायत करी है, लेकिन वही वो कह रहे हैं कि भाई हमारा मॉडम जला हुआ है और हमने चेन्नई भेज रखा है। रोजाना मैं डेली चक्कर मार रहा हूँ पोस्ट ऑफिस का, डेली जाता हूँ एक चक्कर, लेकिन वो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। उनके दरवाजे भी 11 बजे तक बंद रहते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस 10 बजे खुल जाता है, 11 दरवाजे फिर भी बंद रहते हैं। क्या जवाब है? स्टाफ पूरा वही है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, दरवाजे उनके हमेशा बंद मिलते हैं। 11 बजे भी मैं गया हूँ, 11 बजे तक उनके दरवाजे बंद हैं। एक डिजिटल इंडिया का सपना। मैं विगत 15 दिनों से लगातार पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं उनका यही कहना है कि आज पोस्ट ऑफिस का मॉडम जल गया है, आज काम नहीं हो रहा, सर्वर डाउन है। विगत इतने दिनों से हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, हमारी जो रजिस्ट्री है, स्पीड पोस्ट है, जितने MIS है और RD जो जमा होती है ये भी जमा नहीं हो पा रही है, और एक नॉर्मल सी स्पीड पोस्ट के लिए हम लोगों को नारायणगढ़ तक जाना पड़ रहा है। तो यहाँ की व्यवस्थाएँ अगर ऐसी हैं तो कर्मचारी यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इस चीज़ का सवाल उठता है। क्षेत्रीय जनपद उससे बोला गया, पर उनकी जवाब जो पोस्ट मास्टर के रहते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस वालों के रहते हैं वो संतुष्ट कर रहे हैं, वो संतुष्ट संतोषजनक नहीं थे। वो सारा का सारा ब्लेम जो है वो नेटवर्क के ऊपर डाल देते हैं। इसमें ना कोई स्पीड पोस्ट हो पा रही है यहाँ पर, ना कोई रसरी हो पा रही है। सरकार बात करती है यहाँ पर डिजिटल इंडिया की, तो अभी यहाँ पर पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस संबंध में। खुद मैंने यहाँ पर अभी कुछ दिनों से मैं चक्कर लगा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस का। जवाब 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 पोस्ट मास्टर साहब से बात करो, वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर कंप्लेन करो, वो कंप्लेन नंबर पे कोई फ़ोन भी नहीं उठाता यहाँ पर, जो नंबर